तू माना क्यों नहीं यार? सौदा कोई बुरा नहीं था, साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते, हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूं नवाब कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे आज सनी के लिए कर लेते। वो हरामजादा उल्लू का पट्टा आज तेरा बॉस बन गया है नवाब। हरामजादे के लिए कौन लौटना चाहता है? बाबा बाबा मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा? हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी मां, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, निशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था, तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब, मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है, इसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा।